माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हिंदुस्तान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे साहब मंच पर विराजमान, पूर्व मुख्यमंत्री गण, पार्टी के महासचिव गण, कांग्रेस कार्य समिति के सम्मानित सदस्य गण, मेरे सामने बैठे पार्टी के सम्मानित लोकसभा और राज्यसभा में सांसद गण, पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गण, पार्टी के सम्मानित विधायक गण, अग्रिम संगठनों के सम्मानित प्रमुख, दिल्ली, राजस्थान और लगभग देश के हर कोने से आए सम्मानित नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंदिर में, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साधुवाद भी आप सबको है। पिछले एक हफ्ते के संघर्ष ने, जो संघर्ष केवल दिल्ली में नहीं हुआ, जो संघर्ष हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर हुआ, जो संघर्ष देश के अलग अलग जिलों में हुआ, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के एक एक साथी ने ये दर्शा दिया कि इस देश के हर गांव, हर कूचे, हर शहर, हर जिले के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के आतंक से लड़ने के लिए तैयार है। आपके जज्बे को नमस्कार, आपके जज्बे को नमन। साथियों, दोस्तों, आज हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर, हमारे देश में स्वतंत्रता की आजादी पर आज चौतरफा हमला बोला गया, क्योंकि वो सारी ताकतें जो दिल्ली की सत्ता में विराजमान हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, उन्होंने एक सोची समझी बदनीयत के तहत एक हमला बोल रखा है। श्री राहुल गांधी नाम है निडरता का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम है बेखौफ, बेखौफ आतंकी और निरंकुश सरकार से लड़ने का। पिछले एक हफ्ते ने यह साबित कर दिया, ना केवल दिल्ली की सड़कों पर बल्कि हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने लाठियां भी खाई, चोटें भी खाई, जेल भी गए। निरंकुश मोदी सरकार और भाजपा पुलिस का आतंक भी सहा। आपके शरीर पर पड़ी हुई लाठियों के निशान, आपके साथ पुलिस के द्वारा की गई बदसुलूकी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा मेरे साथियों, उन करोड़ों साथियों को भी जो हमें देख पा रहे हैं, कि ये व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका संघर्ष रंग लाएगा और आपका तिरंगा एक बार फिर इस देश में स्वतंत्रता संग्राम का तिरंगा लाल किले पर फिर फहराएगा। बहुत सारे साथी आज भी जानना चाहते हैं, नेशनल हेराल्ड है क्या? नेशनल हेराल्ड का ये पूरा वाकिया है क्या? 1937 के अंदर, मैं थोड़े शब्दों में आपको कहूंगा, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कांग्रेस के लोगों ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में, जब स्वतंत्रता संग्राम की बात को नहीं दिखाते और छापते थे, तो एक अखबार की स्थापना की। उस अखबार का नाम है कौमी आवाज, उस अखबार का नाम है नवजीवन और नेशनल हेराल्ड। 1937 के बाद 1942 में अंग्रेज ने उस अखबार पर पाबंदी लगा दी, 1945 तक अखबार नहीं छप पाया। महात्मा गांधी ने इस अखबार की लड़ाई लड़ी और आखिर में 1945 में यह अखबार दोबारा छपना शुरू हुआ।
साल 2000 तक, क्योंकि अखबार वित्तीय तरीके से बहुत फायदेमंद सौदा नहीं था, अखबार के ऊपर 90 करोड़ की देय राशि थी। यह पैसा किस बात का था? 67 करोड़ रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह का था, पत्रकारों की तनख्वाह का था, और 23 करोड़ रुपया अखबार की लीज मनी थी, बिजली का बिल था, बिल्डिंग का खर्चा था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने यह निर्णय किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय किया कि हम आजादी के इस चिन्ह को मरने नहीं दे सकते, और 100 किश्तों में 10 साल के अंदर चेक से यह 90 करोड़ की राशि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दी। आप मुझे बताइए, आज क्या नेशनल हेरल्ड अखबार के कर्मचारियों की, पत्रकारों की तनख्वाह देना, बिजली का बिल देना, बिल्डिंग का खर्चा देना गुनाह है? अगर यह गुनाह है तो हम कांग्रेसी इस गुनाह को बार बार करेंगे, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। इस 90 करोड़ की हमारा पैसा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह पैसा, वो पैसा जो एक एक करके आपने एकत्रित किया, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया, ये कांग्रेस का पैसा है। कांग्रेस का पैसा कांग्रेस को अखबार के देने पे जुर्म क्या हो सकता है, मुझे बताइए? और सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? हमारा पैसा, हमारा अखबार, स्वतंत्रता संग्राम का ये चिन्ह, अगर ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने अपने अखबार को दिया, उसकी तनख्वाह दी, उसका बिजली का बिल दिया, लीज का पैसा दिया, तो यह अपराध कैसे हो सकता है? आज उस अपराध में हमारे नेता को बोलते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अरे ये गरीब कांग्रेस के कार्यकर्ता का पैसा है जो उसने कांग्रेस के खाते में जमा करवाया है, और कांग्रेस ने सबकी सहमति से अपने अखबार को तनख्वाह का, कर्मचारियों का यह पैसा दिया है। इसलिए मेरे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि ये जुर्म है, वो झूठ बोलते हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी पुलिस थाने में कोई FIR दर्ज नहीं है। एक झूठी शिकायत जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज करी थी प्राइवेट, उस पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। तो FIR कहां है, शिकायत कहां है, पैसा कहां है? तो अगर पैसा ही मनी नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है? और बगैर FIR के ED कोई केस की जांच नहीं कर सकता। यह हमारे नेता श्री राहुल गांधी की हिम्मत है, यह उनका बेखौफ जज्बा है, यह निडरता का उनका रास्ता है, यह कांग्रेस का निडरता का रास्ता है, जिससे हम अंग्रेज से लड़े कि उन्होंने यह निर्णय किया कि वो ईडी के पास जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब एकत्रित हैं। और सच्चाई यह है कि यह अग्निपथ बेरोजगारी का अग्निपथ है। आप मुझे बताइए, अगर देश की फौज ठेके पे भर्ती होगी तो देश के युवा देश की रक्षा कैसे करेंगे? 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप हमारे बेटों को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरे देश से आए नौजवानों को आप सियाचिन में खड़ा कर देंगे, पाकिस्तान की फौज के सामने खड़ा कर देंगे, चीन की फौज के सामने खड़ा कर देंगे। अगर हमारे बच्चों का नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी जिम्मेवारी लेंगे? और 4 साल के बाद ये बच्चे करेंगे क्या? ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनके पास शिक्षा होगी, ना योग्यता होगी। और इसको छुपाने के लिए ये ED की कार्रवाई हो रही है, ये मिली भगत का षड्यंत्र है। इसलिए मेरे साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए केवल यही कहूंगा कि अब समय आ गया है इस देश के युवाओं के साथ खड़े होने का, और इस देश के युवाओं का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। एक एक गांव में जाकर, एक एक शहर में जाकर हमको नए सिरे से अलग जगानी होगी, ताकि भाजपाई षड्यंत्र बेनकाब हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।